हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो मोस्टली उन सब पर्सनों को आ रही है जो अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचने जाते हैं, उसके सेल परचेज में जाते हैं, तो हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। और अगर सही तरह बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए सेल या परचेज के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं होता, कोई आयुष लाइसेंस नहीं होता और किसी आयुष लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आयुष लाइसेंस होता ही नहीं है। केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन को जब हम मैनुफैक्चरिंग करते हैं तो आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस ही केवल होता है। आयुर्वेदिक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रिटेल के लिए, मार्केटिंग के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो ये है आ रही है कि जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स है, चाहे वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी है, जब भी आप उन पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराने जाते हो, रजिस्टर कराने जाते हैं, तो वो एक आपको आयुष लाइसेंस मांगते हैं या FSSAI लाइसेंस मांगते हैं। तो देखिए, आयुष लाइसेंस अगर वो मांग रहे हैं, अगर आप मैनुफैक्चरर है, आपके पास मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस है और आप जिस कंपनी के नाम से अपना रजिस्टर कर रहे हैं उसी के नाम से आप अपना आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस डालते हैं तो वो अप्रूव हो जाता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप बेच रहे हो, अपने खुद की मार्केटिंग ब्रांड है आपके, आप किसी दूसरे मैनुफैक्चरर से बनवा रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास कोई आयुष लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि आयुष कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल का लाइसेंस इशू नहीं करता, वो केवल मैनुफैक्चरिंग का लाइसेंस ही इशू करता है। अगर आप उनके कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आयुष लाइसेंस कंपलसरी है, लेकिन ये उनको भी नहीं क्लियर होता कि आयुष का डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल या मार्केटिंग का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो होता ही नहीं है, केवल आयुष में मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस होता है। तो अगर आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट रजिस्टर करने हैं तो आपके पास अभी क्या है कि थोड़ा सा उनकी भी अपने जगह वो भी सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो अनएथिकल थे, बिना मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस के बने होते थे, या लोग ऐसे ही फर्जी बना के फेक प्रोडक्ट को अपलोड करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा सा वहाँ पे एप्लीकेबल किया है। तो अगर आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ले सकते हो, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी एक तरह से फूड की एक्ट में ही माना जाता है, फूड में ही माना जाता है। और जो FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होता है वो कोई लेंथी प्रोसेस नहीं होता, आप ऑनलाइन FSSAI की वेबसाइट पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो 100 रुपीज पर ईयर की फीस होती है, अगर आप लाइसेंस लेते हो स्टेट लाइसेंस तो 2000-3000 रुपये की पर ईयर की फीस होती है और वो इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाता है, कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता। तो अगर आप वहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हो तो आप FSSAI का लाइसेंस लेके या रजिस्ट्रेशन लेके वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि आयुष तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेल का या मार्केटिंग का लाइसेंस नहीं देता। तो आप FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेके आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि ये अभी हमारे साथ भी हुआ था। हम भी अपने एक मार्केटिंग डिवीजन को अभी किसी पोर्टल पे अपलोड कर रहे थे, B2B पोर्टल था, उस पर अपलोड कर रहे थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे लाइसेंस की डिमांड की थी, तो हमने उनको समझाया, लेकिन फिर बात यही आई कि आप FSSAI का अपना लाइसेंस अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो FSSAI का लाइसेंस भी होता है, क्योंकि हम कुछ फूड सप्लीमेंट में भी काम करते हैं और फूड सप्लीमेंट के लिए FSSAI का लाइसेंस होना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो हमारी मैनुफैक्चरिंग यूनिट है उसमें तो हमारे पास आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस है, उसको तो हम सीधा अपना मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी मार्केटिंग डिवीजन्स है उन सबका हमारे पास FSSAI लाइसेंस भी है, स्टेट लाइसेंस है, तो उससे हमारा काम चल गया, हमने वो अपलोड कर दिया तो हमारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो पोर्टल्स है अब वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो एक आपका GST नंबर हो गया और दूसरा आपका FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैं उन सभी से भी गुजारिश करूंगा जो ऑफलाइन भी सेल या परचेज कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, वो भी अपना FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े। थोड़े से नॉर्म्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। वैसे देखो, आयुष के लिए मैं पहले भी क्लेरिफाई कर चुका हूँ कि आयुष के लिए सेल या परचेज के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता, लेकिन अभी उनको फूड आइटमों की कैटेगरी में रखा जाने लगा है, फूड माना जाने लगा है, तो अगर आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा आपकी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी, तो आप ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, तो आप FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और GST नंबर ले सकते हो, उसके बाद आप तो अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।